3.5 का पार्ट पहला सम एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू 11, तो हमको क्या लिखने का है, कॉन्ग्रुएंट एंगल एंड करस्पोंडिंग साइड एक्स एल वाई एम जेड एल, फिर क्या एक्स वाई अपॉन एल एम वाई जेड अपॉन एम एन एक्स जेड अपॉन एल एम, इतना ही करने का है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि ड्रॉ केस ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लेबर दे शो देयर करस्पोंडिंग एंगल बाय द सेम साइन शो द लेंथ ऑफ द करस्पोंडिंग साइड बाय नंबर इन प्रोपोर्शन। देखो तो डी ई एफ और एक्स वाई जेड, डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स, ई इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई, एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड, डी टू है, एक्स वाई फोर है, डी एफ थ्री है, वाई जेड सिक्स है, डी एफ फोर है, एक्स जेड एट है, बराबर। देखो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए, एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंट टू द वाई, एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू जेड, साइन देखो डी अपॉन एक्स वाई, डी एफ अपॉन वाई जेड, डी एफ अपॉन जेड, नाउ प्रॉब्लम सेट थ्री और एमसीक्यू। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड कैनॉट बी, अंडरलाइन करो। देखो 5 1.5 3.7, अगर ये दोनों हम ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये दिस इज पॉसिबल जो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इधर भी क्या आ रहा है 5, सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इधर भी क्या आ रहा है 5.3, सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट हियर नॉट पॉसिबल, समझ में आया, देयरफॉर थर्ड 3.4 सेंटीमीटर कैन नॉट बी साइड। नाउ देखो आर इज ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू आर, आर के सामने वाली साइड क्या है पी क्यू, और क्यू के सामने पी आर, देयरफॉर क्या हो गया PQ is greater than PR. Side opposite to greater angle is greater. Third देखो angle P is less than angle P. P कितना दिया है 65. ये कितना दिया है 95. तो ये P के सामने की segment PQ है और P के सामने segment. बराबर. Side opposite to greater angle is greater. Okay. Now question number 3 क्या है देखो. If angle PQR, if PQ is greater than PR, and bisector of Q and R, intersect at S, so that SQ is equal to 2R. बराबर, देखो PQ is greater than PR, तो PQ के सामने का एंगल क्या आएगा R, और PR के सामने का आएगा Q, बराबर, तो हम R के लिए क्या ले रहे हैं, R के लिए 2X, और Q के लिए 2Y, बराबर, क्योंकि बाई सेक्टर है क्या है, हाँ तो टू वाई इज ग्रेटर देन टू एक्स, टू कैंसिल, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, बराबर, सो इन ट्रायंगल तो उसे छोटा अंदर वाला ट्रायंगल है ना, यस क्यू आर, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, तो एस क्यू इज ग्रेटर देन एस, अपोजिट साइड का ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ओके नाइन एम टू चैप्टर 3 प्रॉब्लम सेट 3 का फाइल और सेशन सम करने वाले हम लोग, बराबर, लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 8 डेट 24/8/2024। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन फिगर पॉइंट एस इज एनी पॉइंट वन साइड क्यू आर करेक्ट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट क्या करने का है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर दैन 2PS, बराबर, तो हमने कौन सा थ्योरम यूज किया, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस, करेक्ट, इन सेकेंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एस आर, हियर आल्सो पी आर प्लस एस आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इसके लिए भी यही रीजन है क्या, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एडिंग 1 एंड 2, बराबर,
PQ plus QS plus PR plus SR is equal to guy. यहाँ का पी एस और यहाँ का पी एस टू पी एस तो पी क्यू प्लस पी आर प्लस पी एस प्लस एस आर इज टू ग्रेटर देन पी एस तो पी क्यू प्लस पी आर देखो क्यू एस प्लस देखो क्यू एस प्लस एस आर इज इक्वल टू सॉरी क्यू एस प्लस एस आर इज इक्वल टू क्यू आर क्यू एस आर समझ में आया हाँ तो PQ प्लस PR प्लस QR इज ग्रेटर देन 2PS बराबर समझ में आया ये हो गया हमारा हेज प्रूफ बाय नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो एक फिगर शेप PT क्या इधर शेप PT इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR लाइन थ्रू R बराबर इंटरसेक्ट रे एट पी देखो बराबर क्यू पी आर टी एस और क्या दिया है पीटी इज पैरेलल टू एस आर समझ में आ रहा है प्रूफ क्या करने का है मेरे को पी एस इज इक्वल टू पी आर क्या देखो भी इधर ये क्या दिया है देखो जी वन से PT is parallel to say SR. Therefore, PT is bisector of angle QPR. Then क्या हो गया ये QPT and RPT congruent given bisector. बराबर Then QPT QPT is congruent with PSR corresponding angle. फिर RPT is congruent with PRS. क्यों? Alternate angle theorem. अभी from 1, 2 and 3. बराबर ये देखो QPT इधर है. देखो ये QPT है और ये भी क्या है? ये QPT है. बराबर और दूसरा क्या है देखो ये क्या है आरपीटी इधर क्या है आरपीटी इसीलिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3 पीएसआर देखो पीएसआर इज कॉन्गरेंट विथ पीआरएस देखो पीएसआर और पीआरएस ये दो एंगल कॉन्गरेंट हो गए बराबर देयरफॉर ट्रायंगल पीएसआर इज अ isosceles triangle and therefore shape PS is congruent with shape PR. Let's prove.